अब इसके आगे हम भारतीय स्थान मान सारणी में किस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं, यानी भारतीय मान को किस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक जो सारणी बनी हुई है इसमें इकाई में एक कॉलम बना हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरीके से उसके बाद हजार है, दस हजार है, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, इसके बाद अरब, दस अरब, ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं। अब हम देखिए अगर हम ये कहें कि 55 करोड़, तो 55 करोड़ में यहाँ पर 10 करोड़ के स्थान पर 5 लिखा जाएगा और यहाँ पर 5 करोड़ के स्थान 55 करोड़, यहाँ कामा लगा देंगे 55 करोड़। अब हम कहें 56 लाख, तो 10 लाख में के स्थान पर 5 और ये लाख के स्थान पर 56 लाख, फिर कामा लगाएंगे। 65 हजार, 65 हजार, 10 हजार के स्थान पर 6 और हजार के स्थान पर 5, तो 65 हजार हो गया, कामा लगाएंगे। उसके बाद अगर हम उसके बाद 381, 3 सैकड़े के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 8, इकाई के स्थान, इस तरीके से 55 करोड़, 56 लाख, 65 हजार, 351। इस तरीके से एक दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि लिखिए 703, हम ये कहें कि लिखिए 25 करोड़, तो यहाँ पर 2 फिर 5, 25 करोड़ हो गया, 28 लाख, यहाँ कामा लगाएंगे। उसके बाद हम कहें कि 305, 305 यहाँ 10 हजार हजार के साथ कोई संख्या नहीं बोली जा रही है, इसलिए यहाँ पर 0 0 लिखेंगे और 305। इस तरीके से ये 25 करोड़, 28 लाख, 305, इस तरीके से हम भारतीय रूप में संख्याओं को इस तरीके से हम लिखते हैं। इस कालम को ध्यान से देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दस हजार लाख, दस लाख करोड़, 10 करोड़, इसको हम ध्यान से समझ लेंगे। उसके बाद कोई भी संख्या जब हमको बोली जाएगी या लिखने के लिए दिया जाएगा तो हम कोई किसी प्रकार हमको लिखना है। अब हम इसके बाद आगे बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है अंकित मान और स्थानीय मान निकालते हैं। यहां पर अंकित मान और स्थानीय मान, जैसे हम कहें 8625 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा और अंकित मान कितना होगा, तो किसी भी संख्या का जो अंकित मान होता है उस संख्या का अंकित मान वही होता है वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर 6 का अंकित मान 6 होगा और 6 का स्थानीय मान, तो देखेंगे जिस संख्या का स्थानीय मान कितना होता है उस संख्या को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 लिख देते हैं। या यूं समझिए कि यह किस स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 600 हो गया। एक दूसरा उदाहरण जैसे हम कहते हैं 5359 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान बताइए, में 5 का अंकित मान वही संख्या होगी, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा और 5 का स्थानीय
मान 5000 होगा, 5 लिखने के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 5 क्या आगे 3 0 अर्थात 5000। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अंकित मान और स्थानीय मान निकालते हैं।